Welcome students, today we will discuss about mathematics of class 10th chapter 1st number system. So now let's talk about exercise 1.1. So guys, agar exercise 1.1 ki baat kare to yahan pe question number 1, jo ki question number 1 hame keh raha hai ki find the HCF of following number by using Euclid division algorithm, division lemma. तो डिवीज़न लेम्मा की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है. अभी हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. तो लेट्स सी, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है और उसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर गाइज, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. सो दैट द एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर. मतलब अगर कोई ऑड इंटीजर होगा वो या तो इस फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का होगा. मतलब या तो 6q+1 होगा, या 6q+3 होगा, या 6q+5 होगा. तो गाइज, इसके प्रूफ पर आते हैं, कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे. तो गाइज, अगर यहाँ पर बात करें प्रूफ, तो देखो प्रूफ करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड करेंगे. और यहाँ पर एक नंबर हमें 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब डिवाइजर जो लेना है उसको हमें 6 लेना है. गाइज, जो कुछ भी हमें प्रूफ करना होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग एक नंबर तो मान लेंगे. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ए पॉजिटिव इंटीजर है कोई, यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है. तो यहाँ बी इक्वल टू हमने क्या सपोज किया, जो दिया हुआ है. अगर सपोज यही हमें 7q+1 या 4m+1, तो यहाँ पर हम बी को 4 सपोज कर लेते. गाइस, होप यू आर अंडरस्टूड कि यहाँ पर जो कुछ भी सिंबल के फॉर्म में, जो कुछ भी फैक्टर, जो कुछ भी डिवाइजर दिया रहेगा, उस डिवाइजर को b इक्वल टू सपोज करना है. तो यहाँ चारों तरफ हमें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर b की वैल्यू 6 सपोज की है. तो गाइज, अगर a और b यहाँ दो नंबर हैं, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है कि दो नंबर हमें और मिल जाएंगे, दो नंबर हमें और मिलेंगे. और वो दो नंबर किस तरीके से रिलेट होंगे, ए दिस इज इक्वल टू 6q+r, वेयर r क्या है, रिमाइंडर, जिसकी वैल्यू 6 से छोटी होगी. गाइज, यहाँ 6 क्या है, डिवाइजर है. तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब इसकी वैल्यू ये सब हो सकती है. तो यहाँ 6 केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट जब r की वैल्यू 0 है, केस सेकंड जब r की वैल्यू 1 है, केस थर्ड जब r की वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन. तो गाइज, यहाँ पर सो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5. अब अगर गाइज यहाँ पर हम लोग आगे बात करें कि ये इनमें से कौन ऑड नंबर का पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कौन इवन नंबर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ध्यान लाना चाहूँगा कि बिकॉज ऑड नंबर को, ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो दो से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते. और गाइज, अगर दो से किसी नंबर को डिवाइड करें, या तो उसका रिमाइंडर आएगा 0 या आएगा 1, बिकॉज डिवाइजर से बड़ा तो रिमाइंडर एग्जिस्ट कर नहीं सकता. तो उस वो नंबर या तो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का होगा, या तो वो कम्प्लीटली कट जाएगा, तब तो वो इस फॉर्म का होगा, वो इवन कहलाएगा. और जो नहीं कट पाएगा, जिसका रिमाइंडर 1 रहेगा, वो इस ऑड कहलाएगा. तो यहाँ पर भी ये जो जनरल पैटर्न है, 2n+1 किसका सिंबल है, ऑड नंबर का. अगर कोई नंबर इस फॉर्म का आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑड है, और अगर कोई नंबर इस फॉर्म का आ रहा है तो इसका मतलब वो इवन है. तो गाइज, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस इज 6q, तो इस 6q को लिख सकते हैं 2 × 3q. तो 2 × 3q की जगह n लिख सकते हैं, जहां n कोई इंटीजर है, वेयर n इज एनी इंटीजर. तो इसका मतलब ये 2n क्या है, ये इवन फॉर्मेट का है, मतलब ये इवन है. ऐसे अगर इसकी बात करें तो ये हो गया 2 × 3q+1. तो यहां इस 3q को n लिख सकते हैं, तो ये 2n+1 का फॉर्मेट बना रहा है, जो कि ऑड का फॉर्मेट है. ऐसे ही गाइज, इसकी बात करें तो ये इवन का बना रहा है. ऐसे ही है, इसमें हम लोग फैक्टराइज करें तो गाइज, यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2 × 3q, और इस 3 को लिख सकते हैं 2+1. तो इन पूरे में देखिए, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q+1, और एक 1 यहाँ पर है. तो इस पूरे की जगह हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं. अगर इसको एन लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2n+1, जो कि ऑड का पैटर्न है. तो गाइज, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑड नंबर अगर होगा तो वो या तो इस फॉर्म का होगा, ये इस फॉर्म का, जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ ये, या तो इस फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का होगा. तो मतलब यहाँ पे हाफ हाफ चांसेस होते हैं, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि हाफ हाफ चांसेस होते हैं, ऑड के लिए हाफ है, इवन के लिए हाफ है.
तो यहाँ पर भी जैसे एक कोई नंबर है, तो वो अगर अगर वो कोई भी पॉजिटिव नंबर ऑड होगा तो ऑड के लिए क्या चांसेस है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, बिकॉज ये नंबर रिड्यूसिबल है। किस फॉर्म में? ऑड पैटर्न के फॉर्म में रिड्यूसिबल है, और ये रिड्यूस करके हम लोगों ने दिखा रखा है सभी का। गाइज, सो होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि यहाँ पे तीन नंबर ऑड नंबर के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और तीन जो केस है वो इवन नंबर को फॉलो कर रहे हैं। सो गाइज, हम लोग लिख सकते हैं, सो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इसी फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म का हो सकता है, और जो इसके अलावा जो ये हैं इन केसेस के फॉर्म का नहीं हो सकता। तो दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट। ओके गाइस, सो लेट्स कम अप टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन अरे कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। टू ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम इन विच दे कैन मार्च। सो गाइज, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 616 मेंबर्स हैं आर्मी के, और इनको जो है एक बैंड के पीछे मार्च करना है। बैंड में कितने मेंबर हैं? आर्मी का जो बैंड है उसमें 32 मेंबर है, तो आर्मी के जो कंटिजेंट है उसमें 616 मेंबर हैं। यहाँ 616 मेंबर है और यहाँ 32 मेंबर हैं। इन दो आर्मी के मेंबर्स को इनके पीछे मार्च करना है, इनको टू ग्रुप में मार्च करना है, और सच दैट कॉलम्स इस तरीके से बनाना है कि एक कॉलम में जितने लोग रहेंगे मैक्सिमम कितने कॉलम बने, ये हमसे पूछा जा रहा है। टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च्ड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, तो इन दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर। तो गाइज, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो होगा वो हमारा SCF होगा, जो दो नंबर हमें दिया हुआ है, एक तो 32 और 616, बिकॉज SCF ही वो नंबर है जो इनको मल्टीप्लाई करेगा और इनको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इन दोनों नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो मतलब एक कोई भी लेफ्ट नहीं होगा इन दोनों ग्रुप से, अदरवाइज कोई एज अ रैंडम नंबर ले लेंगे तो उसमें कोई ना कोई मेंबर जो है इधर से या उधर से छूट जाएगा। सो गाइज, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अगर हम 16 ले लें, ये सपोज केस यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विल बी एस सी एफ ऑफ 616 एंड 32। सो फॉर दैट 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, तो ये अब यहाँ पर क्योंकि ये ग्रेटर है इससे, तो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा यहाँ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जा रहा है 616 प्लस ये हो जाएगा 32 इंटू 19, ये 19 कोसेंट आया और प्लस 8 आ गया यहाँ रिमाइंडर। तो अब आगे देख रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ आगे हम देख रहे हैं रिमाइंडर कितना है 8, और हमें कब तक ये प्रोसेस अप्लाई करना होता है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा फॉर नंबर 32 एंड 8। और यहाँ अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि 32 ग्रेटर है 8 से, तो मतलब 8 से 32 को डिवाइड करते हैं, तो जब 8 से 32 को डिवाइड करते हैं तो दिस 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4, ये कोसेंट आया 4 और रिमाइंडर हो गया यहाँ 0। तो यहाँ गाइज रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसलिए SCF यहाँ आ गया कितना 8, तो SCF 8 आ गया। तो मैक्सिमम कॉलम इन विच दे कैन मार्च दिस इज इक्वल टू 8 कॉलम, तो राइट आंसर इज 8 कॉलम। और गाइज ये भी देख लें कि 8 कॉलम जो है इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और इस नंबर को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, सो दैट कि कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे बचेगा नहीं, सभी लोग इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट दिस। सो गाइज, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
So exercise 1.1 question number 4 says that use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1. Means कोई अगर positive integer है उसका square करेंगे तो उसका जो वो square होगा वो या तो 3m के form का होगा या 3m plus 1 के form का होगा. तो गाइज यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 3 वर्ड पहले से आ गया है, मतलब 3 दिख रहा है हमें. तो एक पॉजिटिव इंटीजर अगर a सपोज करेंगे तो b की जगह क्या लेना पड़ेगा हमें, 3. तो चलिए प्रूफ करते हैं इस क्वेश्चन को. तो प्रूफ करने के लिए लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो एंड b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 यहाँ जो दिया था लास्ट क्वेश्चन में दिया था 6, तो हमने 6 लिया था. अभी यहाँ 3 दिया है तो हमने 3 ले रखा है. तो गाइज यहाँ जब हमने 3 लिया तो बाय नाउ फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3 क्यों प्लस r. तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 क्यों प्लस r वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2. सो a की वैल्यू a इक्वल टू आइदर 3q आर 3q प्लस 1 आर 3q प्लस 2. r की वैल्यू या तो 0 रखें या 1 रखें या 2 रखें. तो यहाँ 3 केसेस बनेंगे. तो गाइस केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, तीनों केसेस को मैंने यहाँ पर लिख रखा है और ड्राइव कर रखा है. तो अगर हम केस फर्स्ट कंसिडर करें जो कि बहुत ही ईजी है, इट्स वेरी ईजी. दिस इज 3q स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू जब 3q है तो ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर. तो यहाँ 3 × 3q² तो इस 3q² को इस पूरी चीज़ को हम m सपोज कर सकते हैं. तो यहाँ इसलिए ये हो गया 3m. तो ये किस फॉर्म का है, 3m के फॉर्म का है. आगे अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 1 इसका स्क्वायर जब यहाँ किए तो इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 9q² प्लस 1 प्लस ये हुआ 2ab. ए की जगह क्या है 3q, बी की जगह क्या है 1. गाइज अब इन दोनों नंबर्स में देखें तो इन दोनों नंबर में 3 कॉमन है. जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 3q² प्लस यहाँ क्या बच गया, 3 चला गया और यहाँ क्या 2 × 2q बच गया और ये प्लस 1 यहाँ है. अब गाइस इस पूरे नंबर को हमने m सपोज कर लिया बिकॉज m इज एनी इंटीजर. तो इन सब ये सारे q इज आफ्टर ऑल एन इंटीजर. तो q अगर इंटीजर है तो इसका मतलब है कि ये m भी क्या होगा, इंटीजर होगा, एनी इंटीजर. तो इसलिए ये किस फॉर्म का हो गया, 3m plus 1 के फॉर्म का हो गया. गाइस तीसरा केस डिस्कस करते हैं. तो तीसरे केस में क्या है, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 9a² 9q² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे दिया हो जाएगा 4 प्लस 2ab. तो 2a की जगह क्या हो गया 3q, b की जगह क्या हो गया 2. अब आगे अगर यहाँ पर देखते हैं 9q² प्लस ये इस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1 और प्लस ये हो गया 3 × 4 क्यों 2 × 2 = 4 3 × 4 क्यों. गाइस अब इन तीनों नंबर्स में ध्यान देने की ज़रूरत है. तो देखो यहाँ पर 3 कॉमन है जहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा इन तीनों नंबर में. यहाँ 4 टर्म है तो यहाँ 4 टर्म्स हैं तो 3 टर्म में 3 कॉमन है. तो 3 कॉमन ले लिया तो बच गया ये इतना नंबर और प्लस में यहाँ एक फोर्थ टर्म में सिर्फ अकेले 1 था तो ये 1 रिमेंस रहा यहाँ. तो अब इन सब की जगह पर हम पूरा क्या लिख सकते हैं, m. तो ये हो गया ना 3m प्लस 1 के फॉर्म का, 3m प्लस 1. तो ये नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर या तो क्या होगा 3m होगा, आइदर इट इज़ द फॉर्म ऑफ 3m आर 3m प्लस 1. सो इट इज़ प्रूव्ड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी अ फॉर्म 3m आइदर 3m आर 3m प्लस 1. ओके.